वालेकुम स्टूडेंट्स, हैलिडे रेसनिक रेंज मेजरमेंट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे एचआरके के बुक से हमने बनाए हैं, चैप्टर को हमने पढ़ा है। तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लगे हैं तो वो हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। तो ये यानी कि आपको ये कह सकते हैं कि जो पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है ना, वो हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शक्ल में हमने लिख दिया है, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा जो पूरी एचआर के नहीं पढ़ना चाहता, वो जस्ट एचआर के से कंसेप्ट लेना चाहता है, वो इन ज्यादा इन कंसेप्ट को पढ़े, मेन पॉइंट को, तो काफी हद तक उसको जो कंसेप्ट है वो उसको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ये पॉइंट है, व्हेन अ फिजिस्ट यूजेस अ टर्म सच एज काइनेटिक एनर्जी, ऑल अदर फिजिस्ट विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर। कि वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म है, जब कोई एक फिजिस्ट बोलता है तो सारे जो फिजिस्ट होंगे उसको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है। यानी कि आपने हर एक के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, अगर स्टैंडर्ड फिक्स होंगे तो तब क्या होगा, तब आपकी जो मेजरमेंट है वो आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाए, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड कुछ और हो, यानी कि पाकिस्तान वाले काइनेटिक एनर्जी को कुछ और समझे, इंडिया वाले काइनेटिक एनर्जी को कुछ और समझे, तो इंडिया वाले जो साइंटिस्ट है वो जो रिसर्च करेंगे वो जाहिर है कि वो पाकिस्तानियों के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो काइनेटिक एनर्जी पे जो रिसर्च की है उनके लिहाज से काइनेटिक एनर्जी कुछ और चीज है, इंडिया के लिहाज से कुछ और है। तो दोनों ने क्या किया है, दोनों का जो रिसर्च वर्क होगा वो एक दूसरे के काम नहीं आएगा। तो जब एक दूसरे के काम ही नहीं आएगा तो फिर फिजिक्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अगर आप आइंस्टाइन को पूरी सदी का 21वीं सदी का आप ग्रेट साइंटिस्ट कहते हैं, तो आइंस्टाइन आइंस्टाइन क्यों बना? क्योंकि आइंस्टाइन जो क्लासिकल मैकेनिक्स का लवर था, क्लासिकल को बहुत पसंद करता था, न्यूटन के इसने वर्क को क्या किया, इसने अंडरस्टैंड उसको पढ़ा बहुत ज्यादा, तो न्यूटन के वर्क को क्या कर इसने इम्प्रूव कर दिया। और आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या पेश की, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आइंस्टाइन और न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी क्या चीज है? सबसे पहले आप बताएं न्यूटन के बारे में, न्यूटन ग्रेविटी को क्या कहते हैं, फिर आप आइंस्टाइन का बताएं। तो सबसे पहले मुझे शो हो रही है, कौन शो हो रहा है? भाई मुल्ला जी बताएं आप। क्वेश्चन को रिपीट करें। क्वेश्चन मेरा ये है कि आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी क्या चीज है और न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी क्या चीज है? हाँ आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी क्या है और न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी क्या है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। किसी को आइडिया है? आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग वो बेंड है स्पेस टाइम कर्व, और और न्यूटन के न्यूटन के मुताबिक, अकॉर्डिंग जो है वो दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी इज अ फोर्स, ग्रेविटी एक फोर्स होती है, लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी क्या है, स्पेस टाइम में कितना बेंड आता है, उस बेंड को आप क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी का नाम देते हैं। तो आप देखिए, आइंस्टाइन जाहिर है कि उसने न्यूटन के वर्क को पढ़ा और फिर उसने क्या कि उसने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सारा जो साइंस है, चाहे बायोलॉजी हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, जितनी भी साइंस होती है ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने क्या कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। अगर एक ही लैंग्वेज होगी, साइंटिफिक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो जब एक ही साइंटिफिक लैंग्वेज होगी, जैसे उसने ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जब एक कोई फिजिस्ट काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज करता है तो बाकी सारी फिजिक्स के लिए काइनेटिक एनर्जी का वो सेम ही नहीं, क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यानी कि सबके लिए सेम ही का वो स्टैंडर्ड होगा। तो इसलिए मेजरमेंट्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स की जान है मेजरमेंट्स। अगर आप मेजरमेंट को निकाल देंगे तो फिजिक्स का वजूद नहीं रहेगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये सारे स्टैंडर्ड फिक्स किए ताकि जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए।
सेकंड पॉइंट है द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स मस्ट बी असेसिबल टू दोज हु नीड टू कैलिब्रेट द सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। नहीं वो ना पर्दे अगे करी जान आज सबसे इन्ने पहले तो हबस है ना, बिलावल। सबसे पहले तो ये है ना कि आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स करना। अब जाहिर है वो स्टैंडर्ड फिक्स कौन करेगा? साइंटिस्ट की जो टीम है वो फिक्स करेगी। कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे वो आएंगे, सारे क्या करेंगे, अपने प्रपोजल देंगे, तो साहब वहां पर डिस्कशन होगी। फिर सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो जिस बात पर एग्री हो जाएंगे वो क्या बन जाएगा, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड बन जाएगा। ठीक है, पूरी दुनिया ने फिर उसको क्या करना, उसको फॉलो करना है। अब जाहिर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में एक प्राइमरी स्टैंडर्ड बन गया है, अब जो बाकी कंट्रीज की हैं उन्होंने उस स्टैंडर्ड को क्या करना, फॉलो करना है। तो उन्होंने क्या करना, उसकी कॉपीज बनानी है। तो वो जो कॉपीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो आपने जो स्टैंडर्ड बनाना है वो क्या होना चाहिए, वो असेसिबल होना चाहिए। ये ना हो कि आप तो स्टैंडर्ड बना दें तो बाकी जो साइंटिस्ट की टीम है वो उसको कैलिब्रेट ही ना कर सके। यानी कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाती है तो आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाना है कि उस पर जो कैलिब्रेशन होती है, कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है कि उस पर दर्जियां लगी होती है, तो वो सारी जो कैलिब्रेशन है वो उसको वो होनी चाहिए। एंड दे मस्ट बी इन वेरिएबल। ये टाइम में सवाल आ सकता है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसमें क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नंबर वन क्या है, असेसिबल होना चाहिए। नंबर टू इन वेरिएबल होना चाहिए। अब जाहिर है कि जब आपने जो वैल्यू फिक्स की प्लांक कॉन्स्टेंट फॉर एग्जाम्पल या स्पीड ऑफ लाइट की, अब ये इन वेरिएबल है। तो ये नहीं है कि आप कहीं पर स्पीड ऑफ लाइट के कुछ वैल्यू आप हो, पाकिस्तान में कुछ वैल्यू हो, इंडिया में कुछ हो, अमेरिका में कुछ हो, बर्तानिया में कुछ हो। फिर तो वही बात, जिस तरह मैंने आपको बोला कि आइंस्टाइन आइंस्टाइन इसलिए बना क्योंकि न्यूटन का रिसर्च वर्क मौजूद था। न्यूटन न्यूटन क्यों बना? क्योंकि उसके पीछे गैलीलियो का जो वर्क था वो मौजूद था। तो साइंस इंटरलिंक का वो सारा काम है। तो इनवेरिएबल होना चाहिए ताकि जो रिजल्ट है वो मतलब एक कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, उनमें कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से उनमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, ना उनको टेम्परेचर इफेक्ट करना चाहिए ना ह्यूमिडिटी इफेक्ट करना चाहिए। यानी कि जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो स्टैंडर्ड को वो इफेक्ट नहीं करने चाहिए। ये हम सीखवा सकते हैं पेपर में कि जो निस्ट है वो किसका एब्रीवेशन है। तो निस्ट किसका एब्रीवेशन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि फिजिक्स वाला है ना, तो फिजिक्स में एब्रीवेशन भी रिटन के एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। क्योंकि एचआर के हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा एचआर के एमसीक्यू बनती है। तो इस तरह के, क्योंकि एचआर की बुक में ये लिखा होगा, इसलिए इस तरह के जो भी है ना ये आपको एमसीक्यू लाजमी है, इनको आपने करना है। क्योंकि आपके ये भी बच्चों में माइंड में सवाल आता है कि हम कौन कौन से एब्रिवेशन करें, तो उसका जवाब ये है कि जो एचआर की बुक में है वो तो आपने लाजमी करने हैं। फिर पॉइंट नंबर फोर, इट इज आल्सो नेसेसरी टू हैव अ वाइड इंटरनेशनल एग्रीमेंट अबाउट स्टैंडर्ड। यानी कि ये है कि अब ये ना हो कि अमेरिका ने तो अपना स्टैंडर्ड बना दिया लेकिन जो बाकी दुनिया उसको एक्सेप्ट ही ना करे, तो वाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि पूरी जो दुनिया है जो जो मतलब एसोसिएशन के साथ लिंक्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट की, इसको क्या कहती है, क्रिकेट की इंटरनेशनल वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, मुझे माइंड में नहीं आ रहा, तू बता सकता है? आईसी आईसीसी आईसीसी। अब देखिए जो आईसीसी है ये जो रूल बनाता है, तो ये रूल जितने भी कंट्रीज इनके साथ रजिस्टर्ड है उसको फॉलो करना जरूरी है। अब ये नहीं है कि आईसीसी रूल बना दो, पाकिस्तान बोले मैंने इस रूल को फॉलो नहीं करना। तो यही बात है कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाना है वो सारे स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उनका वाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। पूरी दुनिया जो भी उसके साथ एसोसिएशन है ना, साइंस की जो भी है, जैसे निस्ट अभी हमने पढ़ी, तो इसके साथ क्या होनी चाहिए, एसोसिएशन होनी चाहिए। Which has been accomplished, जो आपने स्टैंडर्ड बनाना है थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग, कि जो आपसे स्टैंडर्ड आपके सामने पेश किए गए हैं ये एक आदि मीटिंग के बाद नहीं है, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स नाउन बाय द फ्रेंच एक्रोनिम सीजीपीएम। इंटर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर का फ्रेंच में नाम क्या है, सीजीपीएम।
ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये भी पेपर में एज एमसीक्यू आ सकता है। और ये स्टार्ट कब हुआ? 1889 में ये मतलब मीटिंग स्टार्ट हुई। द 21st मीटिंग वाज हेल्ड इन 1999। पेपर में डेट्स भी आती है, मैं बच्चों को अक्सर बताता रहता हूँ कि डेट्स भी आपने याद करनी है, क्योंकि पेपर में डेट्स भी आ जाती हैं। तो 21st मीटिंग कब हुई? 1999 में। और पहली मीटिंग कब हुई? 1889 में। फॉर्चुनेटली वो कह रहा है बड़ी खुशकिस्मती आपकी, इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश अ मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी। कि आप बच गए, आप खुशकिस्मत है फिजिक्स वाले के इतनी फिजिक। आप देखिए फिजिक्स का नाम क्या है, फिजिक्स को आप फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मेजरमेंट्स की बात करते हैं, फॉर्मूलाज की बात करती हैं। वो कहते हैं इतनी सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए फॉर्चुनेट है कि हमें हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक्सेलरेशन होगी या फोर्स होगी, ये सारी जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके लिए कोई स्टैंडर्ड की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड बनाए हैं। अब बच्चे यहाँ पर सवाल करते हैं कि सर 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों बनी गई हैं? तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपने सिस्टम डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल आपको टास्क दिया जाए, आपको बोला जाए कि जी, जैसे मैं आपको सवाल करता हूँ हमारा से, हमारा आवाज आ रही है? जी सर, अब मैं आपको टास्क देता हूँ कि जी आपने एक सिस्टम बनाना है फिजिकल मेजरमेंट का। अब जाहिर है कि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप हर के लिए तो स्टैंडर्ड नहीं ना बना सकते। अभी है जैसे आपने पढ़ा कि एक स्टैंडर्ड को बनाने के लिए ढेरों मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होती है, बहस होती है, फिर जाकर क्या करते हैं, फिर जाकर वो किसी बात पर एग्री होती है। यानी कि किसी बात पर एग्री होना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो फिर जाहिर है कि अगर आपने फिजिकल मेजरमेंट के स्टैंडर्ड आपने बनाने हैं, अगर स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च वर्क है वो खराब हो जाएगा। जब रिसर्च में खराब हो जाएगा तो जो फिजिक्स है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो अगर आपको टास्क दिया जाए कि आपने फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड बनाने हैं, तो आपकी क्या सोच होगी, क्या अप्रोच होगी? सर वो वाली क्वांटिटीज मैं तो सेलेक्ट करूंगी जो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, और उनका एक दूसरे नंबर पे ज्यादा बिल्कुल भी होना चाहिए कि डिपेंडेंट कम नहीं, होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपने फिजिकल स्टैंडर्ड मेजर करना है, वो फिक्स करने है ना, जो सिस्टम आपने बनाना है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, आपने ये कोशिश करनी है कि कम से कम हो। ठीक है, तो ये सवाल किया जाता है कि 7 ही क्यों है? तो ये सवाल किया जाता है कि 7 ही क्यों, 7 से ज्यादा क्यों नहीं है? देखिए जो फिजिक्स वाला कह रहे कि इतनी ज्यादा इसमें मीटिंग्स हुई है, तो उन्होंने देखा कि ये 7 क्वांटिटीज क्या कर रही है, सारी जो नीड है हमारी वो पूरी कर रही है। तो जब ये 7 क्वांटिटीज हमारी नीड पूरी कर रही है, तो फिर हमें और क्वांटिटीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मे बी इन फ्यूचर इसमें एडिशन हो जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन अभी तक ये 7 ही क्वांटिटीज क्या कर रही है, आपको जो आपकी नीड है ना उसको पूरा कर रही है। तो इसलिए फिर ये हमने 7 ही हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये हमने 7 रखी है। इन 7 में भी जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ हो गई, मास हो गया और टाइम हो गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं। यानी कि ये बड़ी क्या आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही हमारी इसके बगैर हमारी कोई जरूरत ही पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि जो एम की एस सिस्टम है, अब नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि एम की एस सिस्टम को आप ऐसे सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? पहला सवाल ये है कि एम के सिस्टम को ऐसे सिस्टम बोल सकते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे सिस्टम को एम के सिस्टम बोल सकती हैं, दोनों बातों में फर्क क्या है? पहला सवाल है कि क्या एम के को ऐसे सिस्टम आप यूज है वो बोल सकते हैं? दूसरा सवाल है ऐसे सिस्टम को क्या है आप एम के सिस्टम बोल सकते हैं? जी सर, दोनों को बोल सकते हैं, एम के एस को एसआई और एसआई को एमकेएस। एसआई को एमकेएस नहीं बोल सकते। हाँ जी, एस आई को आप एम के एस नहीं बोल सकते। एस आई में तो कितनी एमकेएस क्वांटिटीज को हैं?
एसआई में तो सर फंडामेंटल और ड्राइव शब्द आ जाएंगे। हाँ जी, एम के एस में सिर्फ और सिर्फ तीन क्वांटिटीज हैं, मैथ और लेंथ, मैथ और टाइम। तो एस आई में तो आपकी वो फंडामेंटल भी आ जाती हैं और आपकी ड्राइव क्वांटिटीज भी आ जाती हैं, तो एम के एस को आप ऐसे सिस्टम बोल सकती हैं। बाकी ये लिखा हुआ है कि लेंथ एंड टाइम आर वन रिकॉर्डेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विद इंडिविजुअल एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिवली। पहले क्या कहते हैं, हर एक ने अपने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, तो द मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर स्पीड, लेंथ एंड टाइम कुड देन बी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ दो स्टैंडर्ड्स। सर नाउ मेरा ऐसा जी क्वेश्चन है, ये एसआई को एम केस ही क्यों, क्योंकि जो एसआई का यूनिट होता है ना वो एम केस का भी होता है, उन्होंने सीजीएस और एफपीएस को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? दोबारा सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि सर जो एम केस सिस्टम है यूनिटों का, वो उसको एसआई भी सिस्टम भी कहा जाता है, हाँ तो जी, उन्होंने सीजीएस और एफपीएस को क्यों नहीं कंसीडर किया, इसको क्यों कंसीडर किया? देखिए वही बात है ना कि जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ना, उसमें मैथ का यूनिट क्या होता है केजी किलोग्राम, उसमें टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, ऐसे सिस्टम में तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। लेकिन अगर आप सीजीएस की बात कर रहे हैं या एफपीएस की बात कर रहे हैं, वहां पर तो ये वो नहीं ना होता, क्योंकि वहां पर मैथ का और यूनिट है इस वजह से। हाँ अरे ये यूनिट उन दोनों से बड़े? जी, जो ऐसे ही ना, ये बड़े यूनिट हैं, मतलब ये वो सीजीएस ठीक वहां पर सेंटीमीटर आ जाता है, फिर वहां पर फुट आ जाता है, तो मीटर उससे बड़ा होता है आई थिंक। अच्छा सर, वो सर कुछ जो जी, एफपीएस सिस्टम है, वो जो एफपीएस सिस्टम है सर, फुट उसमें हम पाउंड मास सिस्टम, को निकाल कर लेंथ का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फुट पाउंड तो सिस्टम, फोर्स का मैथ को इस्तेमाल, पाउंड में ले रहे हैं हाँ ना। वो माउस का मास को निकाल कर उसमें हम फोर्स ले रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। नहीं, यहाँ पर फुट पाउंड सिस्टम है। फुट पाउंड और सेकंड है, फुट हो गया लेंथ का और टाइम का हो गया सेकंड, तो यहाँ पे जो पाउंड है वो तो फोर्स का है, तो मास यहाँ पे उन्होंने निकाल कर ले फोर्स का क्यों इस्तेमाल किया? ये मैथ की यूनिट है पाउंड सर, फोर्स का यूनिट नहीं है, पाउंड अच्छा सर, मैथ का यूनिट है। ये एमसीक्यू भी आया है कि वो आपसे वो पूछ लेते हैं कि 1 kg कितने पाउंड के बराबर है, तो जो पाउंड है वो मैथ का यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अच्छा और अगर आप बात कर लें सीजीएस में, तो वहां पर वो फिजिक्स के यूनिट आ जाती है। तो अगर सर सर मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे, उसमें पूछा जाए कि भाई ये फोर्स का आपने कहीं पे यूनिट पढ़ा हुआ है, एफपीएस सिस्टम में क्या है, तो वहां पे तो पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने कहीं पढ़ा होगा कि पाउंड एक फोर्स होती है। हाँ ये तो नहीं पढ़ पर बुक्स में ये है कि जो पाउंड है ना वो फोर्स का यूनिट है, पर इन एफपीएस सिस्टम। चले ना, ये मैं इस पर रिसर्च कर लूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में तो ये नहीं आया, तो मैं इस पर ये क्वेश्चन आप डिस्कशन रूम में छोड़ दें, तो कल इस पर वो लेक्चर के दौरान फिर आपको वो बता दूंगा। ठीक है, अच्छा उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जो मीना वन कह रही पाउंड है है ना, फुट पाउंड है फोर्स का यूनिट है, सिर्फ पाउंड नहीं है। हाँ नहीं वो फुट पाउंड फिर वो अलग हो जाएगा, वो फुट पाउंड जो ये बता रही है ना वो फिर अलग हो जाएगा, वो इसका नहीं होगा, फोर्स का नहीं होगा नहीं, ये मीना फुट कह पाउंड। रही है कि फुट और पाउंड को मिला के मिलाया जाए ना, फिर वो बनता है फोर्स का यूनिट। वो सही तरह है, नहीं, जैसे कि एफ इजिकल टू एम ए फोर्स का, तो मास का, तो चलो ठीक है ये मैं मान लूं, तो फिर मास का क्या होगा एफपीएस सिस्टम में? मैथ वही तो बता रहा, पाउंड है, आप पाउंड को फोर्स कह रहे तो हैं फिर ना, फोर्स का क्या होगा? जी सर, ये आप वो गूगल कर रहे हैं, तो वहां पर एफपीएस पे फोर्स का लिखा होगा। पाउंड चलो सर ये डिस्कशन नहीं है सर, पाउंडल आ रहा है जो कि इक्वल है यहाँ पे पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर पे, विच इज कॉल्ड पाउंडल और पीडीएल भी लिखा है। यानी कि पाउंड नहीं ना आ रहा। नो सर, पाउंडल आ रहा है।
हाँ जी, वो फिर देख लेना स्लिम, वो पाउंड नहीं आ रहा, कुछ और वर्ड आ रहा है। नहीं सर, पाउंड आ रहा है, मैंने पढ़ा है कहीं, फोर्स का यूनिट मतलब मास का यूनिट वहाँ पे पाउंड ही होता है, फोर्स का भी पाउंड होता है दोनों, ये चलो मैंने पढ़ा ठीक है, था। ये और सर मेरा क्वेश्चन ही आपसे ये है, तो फिर आप डिस्कशन पे रख लेते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि MKS सिस्टम पहले आया है या SI? अगर दोनों में से कोई एक पहले आया तो दूसरे की क्यों जरूरत पड़ी, वो तो सेम है ना। एमकेएस में सिंपल है ना, पहले तो जहर है, एमकेएस ही यूज होगा पहले, सीजीएस वगैरह से, एफसीएस से, फिर एमकेएस आया, फिर एसआई आया। एमकेएस में सिर्फ आपको 3 क्वांटिटीज मिलती हैं, एसआई तो फिर आपकी सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं। क्योंकि ना आप देखिए पहले क्या हो रहा था, अब जाहिर है कि जब दुनिया एडवांसमेंट हो रही थी, अब जाहिर है कि शुरू में लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का पता ही नहीं था, लेकिन जो मैथ, लेंथ, टाइम, ये तो बड़े वो जैसे जमाना बना है, दुनिया बनी है, तो उसी टाइम से ये क्या हो रहा है, ये चीज यूज हो रही है। इसलिए क्योंकि इंसान का वास्ता शुरू से इन चीजों से पड़ा है, मैथ से, लेंथ से और टाइम से, तो इसलिए फिर इनको मेजर करने के लिए हर एक ने क्या किया, अपने आप स्टैंडर्ड फिक्स किए। जैसे आज भी यूज होती है, मरला हो गया, कनाल हो गई, वो फुट हो गया, इस तरह करके, और भी पहले वो लोग चल के भी वो मतलब लेंथ को मेजर करते थे, अब इस तरह करके चीजें होती। तो इसलिए फिर जाहिर है कि ये सारी डेली लाइफ में तो यूज हो सकती हैं, लेकिन जब आपके साइंटिफिक रिसर्च जैसे एडवांसमेंट बढ़ती चली गई, लोगों को पता चला कि नई नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं, रिस्क भी मतलब जन्म होना शुरू हुआ, फिर जाहिर है कि आप डेली लाइफ में तो आप नहीं ना चल सकते, आपको सिस्टमेटिक वे में आप चलना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स इज द साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है, और साइंस को आपने पढ़ा, वहां पर आप सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, पूरा एक निजाम होता है, तो उसके मुताबिक फिर आपने चलना होता है। तो जाहिर है कि जब एमकेएस सिस्टम आया, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत ढेर सारी हैं, ये तो जस्ट आप इसको 3 क्वांटिटीज ये बात बता रहे हैं, तो अगर आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना, फिर तो ये हमें काम नहीं दे सकता। तो जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज के वो डिस्कवर होती गई, लोगों के नॉलेज में आती चली गई, तो वो फिर उनका जाहिर है कि उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड हमें फिक्स करने थे, तो वो फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ताकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है, तो ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी उसका स्टैंडर्ड पर वो यूनिट बना देगी, और पूरी दुनिया में वही यूनिट यूज होना है, साइंटिफिक रिसर्च पे तो लाजमी होगा, तो जो भी रिसर्च वर्क होगा ये एसआई सिस्टम के वो अकॉर्डिंग होगा, ताकि फिर जो एक दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री की जब वो स्टडी करे, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाए। क्लियर है? ये जी सर सर टोटल क्लियर है। सिस्टम सर कितने? पोर्टर काफी सारे, लेकिन जो फेमस है ये चीन है, वैसे काफी सारे सिस्टम हैं, लेकिन जो बुक्स में आप अच्छा पढ़ते हैं ना इसको फेमस है। मैसेज, काइंडली आप जी माइक सर म्यूट कर रहे कर लिया करें, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तब बात करें, इसलिए। ठीक सर, ये जो सिस्टम है, ये जो SI और ये MKS है, FPS है, और जो तीसरा है CGS, ये तीन सिस्टम है। ये फेमस तो इन है, तीन सिस्टमों को गूगल बता रहे थे, इसको मैट्रिक्स सिस्टम कहा जाता है, मतलब ओल्ड सिस्टम है ये, ऐसा है हमारा मॉडर्न है हाँ जी, इंटरनेशनल है, जो पूरी दुनिया में लिया जाता है। हाँ जी, हाँ इस तरह है सर। जी, ऐसे क्योंकि ना शुरू में लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का पता भी नहीं था, अब पहले वाले जमाने के लोगों को क्या पता था, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, फोर्स क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब जैसे जैसे वो फिजिक्स का जन्म होता चला गया, तो ये सारी एडवांसमेंट आती चली गई, फिर जब पता चलता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी आ गई, ये आ गई है, ये इसकी हमें जरूरत है, तो फिर जाहिर है कि उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करने थे, उन स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने के लिए फिर ऐसा सिस्टम बनाया गया। यानी कि ये सारी यही स्टोरी बता रहे हैं शुरू में, कि ये हमें पहले तो उसने शुरू में स्टार्ट ये ली है कि हमें स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पेश आई है, क्यों एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका ये सारी वो अपने डिस्कशन हो रही है, एक स्टैंडर्ड क्यों होना चाहिए। फिर उसने ये बताया कि जी ये जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं वो फिक्स कर दिया गया है, इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग होती है, डिस्कशन होती है, बहस होती है, तो हर एक अपने अपने प्रपोजल लेके जाती है, फिर किसी का रिजेक्ट हो जाता है, कोई किसी पर एग्री हो जाता है, फिर वो देखती है कि ये इसके पर एक्सपेरिमेंट करती हैं, वो कहते हैं ये वाला इस वक्त ये यूजफुल नहीं है वगैरह वगैरह, तो इतनी सारी डिस्कशन के बाद जाकर वो क्या कहते हैं, वो किसी बात पर एग्री होती हैं, तो ये सारी वो स्टोरी वो बता रहा है। जैसे 1889 में ये स्टार्ट हुई थी, और 21वीं कॉन्फ्रेंस में जाकर ये
उसकी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्लियर है? हाँ आप ना फिर अभी जिस तरह मैंने बैच 3 में ये रखा है कि जो भी आपके क्वेश्चन हो तो वो उसकी आप ना क्वेश्चन फाइल मुझे बना के सेंड कर दिया करें, ताकि वो फिर क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर लिया करें। तो ये अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो आप कर सकती हैं, यानी कि जब आप छुरी पढ़नी है तो आपके भी जो क्वेश्चन हों तो वो आप सेपरेट से PDF फाइल में भेज दिया करें, तो उसके अलग से होता है वो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है ना वो अलग से कर लिया करेंगे। तो बाकी डिस्कशन ग्रुप में आपके वो ओपिनियन ले लिया जाएगा, ठीक है? हाँ तीन क्वांटिटीज बेसिक है जो कि पूरी मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती हैं। कौन फिर सवाल है कईमुल्ला का, हाउ करंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट है। ये भी सवाल काफी आम पूछा जाता है कि करंट ही को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने क्यों रखा हुआ है, हमने चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं रखा हुआ। अब देखिए जो चार्ज है क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं इजीली? सही मुल्ला क्लास में जी सही बताएं आप तो, कि चार जो करंट में से कौन सी क्वांटिटी को आप इजीली मेजर कर सकते हैं? अगर मैं आपसे सही मुल्ला बताऊं कि इस पीस के अंदर कितने चार्जेस हैं तो क्या आप बता सकते हैं? सही मुल्ला आवाज आ रही है? अगर किसी और का भी ये सवाल है तो वो बता दें कि किसी और के माइंड में ये सवाल है कि करंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है, तो वो फिर कौन वो डिस्कशन में वो हिस्सा ले लें, या किसी का नहीं है? बाकियों को क्लियर है? बाकियों को क्लियर है कि नहीं? सर मुझे तो नहीं समझ में आया, इसलिए कि सर्विस बीच में नहीं थी। ये सवाल पूछा जाता है ना कि करंट को फंडामेंटल क्यों लेते हैं, चार्ज को फंडामेंटल क्यों नहीं लेते क्वांटिटी। सिंपल से इसका आंसर है, देखिए फंडामेंटल आपने वो ही बनाना जिसके लिए जो यस अभी हमने रूल पढ़े थे कि वो असेसिबल होने चाहिए, बाकियों को के लिए क्या होने चाहिए उसके आप स्कैटरी अगर आपने सैंपल बनानी है वो भी सारे आसान हो जाए। तो देखिए जो चार्ज है इसको आप कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते, जैसे कि आप देखें ये छोटा सा अगर पीस आप लें इसके मेटल का पीस लें तो इसके अंदर आप नहीं बता सकते कि कितने चार्जेस हैं, क्योंकि एक कूलम के अंदर ये काफी डिफर डिस्कशन हो चुकी है, एक कूलम के अंदर कितने चार्जेस होती हैं 6 पॉइंट, आप मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक तो 6.63 × 10 की पावर+19 होती हैं, कितने चार्जेस होती हैं एक कूलम के अंदर, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं जब वो मूव करते हैं तो तब जाकर हमें एक कूलम चार्ज मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर तो सर इलेक्ट्रॉन का पावर जो 18 मतलब होता है, होता है ठीक, पावर 18 होता है। बाकी क्लियर पावर हो गया 18 सर। होता है ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है, तो अगर आप ये बोले कि जो 1 कूलम चार्ज ये इतना के इक्वल होता है तो वो फिर आप यानी कि चार्ज को मेजर करना बाय फिजिकल मीन वो तो पॉसिबल नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन अगर आप करंट को देख लें कि करंट को रिलेटिवली मेजर करना आसान है, क्योंकि जब आपने करंट को देखना है तो आपने क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर आपने पर सेकंड आपने चार्जेस देखने के कितने चार्जेस गुजर गए उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप करंट बोल देंगे। तो यानी कि अगर आपसे सवाल किया जाता है कि करंट तो ही फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों कंसिडर किया जाता है, तो आप ये अपनी बात में ये चीजें ऐड कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है वो इजी टू यूज होना चाहिए, वो असेसिबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, तो इसलिए वो जो चार्ज है उसको मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने वो रख लिया कि इस केस में हमने करंट को क्या कर लिया, हमने फंडामेंटल क्वांटिटी हम रख लिया, क्योंकि करंट को मेजर करना आसान है और चार्ज को मेजर करना डिफिकल्ट है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। फिर नेक्स्ट MCQ है किलोग्राम, आपने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था ना, वो कह रहा है कि जो किलोग्राम है तो ये प्रीफिक्सेस है,
इज द ओनली एसआई बेस यूनिट दैट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट वन ऑफ द प्रीफिक्सर, यानी कि यो सिर्फ और सिर्फ एक ही है एसआई बेस यूनिट है जो एज अ प्रीफिक्स भी यूज होती है। इसके अलावा जितने भी एसआई यूनिट हैं वो एज अ प्रीफिक्स यूज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम ही ऐसी वो ऐसा बेस यूनिट है जो एज अ प्रीफिक्स भी यूज होता है। अब यहाँ पर फिर सवाल किया जाता है कि किलोग्राम एज अ प्रीफिक्स यूज क्यों होता है, तो उसका यही आंसर है कि जो हमारी डेली लाइफ में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो किलोग्राम में होती है, वो ग्राम या है वो इन चीजों में नहीं होती। अगर हम ग्राम को ऐसे ही वो मतलब है अपना ऐसा यूनिट बना लेते तो ग्राम तो डेली लाइफ में यूज ही नहीं होता, तो डेली लाइफ में यूज क्या होता है, किलोग्राम यूज होता है। तो इसलिए क्योंकि डेली लाइफ में जो चीज यूज हो रही है उसको कंटिन्यूटी देने के लिए हमने क्या कह दिया, इसको एज अ प्रीफिक्स भी रहने दिया और एज अ बेस यूनिट भी हमने रहने दिया। ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है लेटर में, ये भी एमसीक्यू आ सकता है ये वाला कि 10^3 kg इज इक्वल टू, आगे फिर डिफरेंट ऑप्शन होंगे तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा कि अगर आप लिखो 1 किलो किलोग्राम रेपिटेशन ही होनी चाहिए, ठीक है ये वाला गलत है। 10^3 kg को आप क्या लिख सकती हैं, 10^6 ग्राम लिख सकती हैं, 1 मेगा ग्राम लिख सकते हैं, यानी कि 2 दफा किलो किलो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे मेगा मेगा ग्राम किलो किलो ग्राम 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 ये गलत हो जाएगा, तो ये एग्जाम से क्यों आपसे पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 है, 2 अदर मेजर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कम्पीट विद 1 इंटरनेशनल सिस्टम, 1 इज द गॉसियन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ विच मच ऑफ द लिटरेचर ऑफ फिजिक्स इज एक्सप्रेस्ड। एक गॉसियन सिस्टम भी है, गॉसियन सिस्टम किसको कहते हैं, ये हमने डिस्कशन की हुई थी, आई थिंक सो CGS को गॉसियन सिस्टम कहते हैं, मुझे याद नहीं है। ये जो बैच 3 वाले जो स्टूडेंट है ना वहां पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हुई थी, ये सवाल भी पूछा गया था गॉसियन सिस्टम किससे कहती है, आई थिंक तो ये CGS सिस्टम का दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप जाहिर है या बार बार पढ़ाऊंगा फिर चीजें याद आएंगी। दादर इज द ब्रिटिश सिस्टम स्टील इन डेली यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द बेसिक यूनिट इन मैकेनिक्स आर लेंथ, लेंथ को फुट कहती हैं, फोर्स को आप पाउंड कहती हैं। हाँ जी जैसे स्लीप सही कह रहे थे, फोर्स को आप पाउंड यहाँ पर उन्होंने लिया होगा। चलिए ये जो सवाल है ना ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वीडियो लेक्चर में हम बता देंगे ताकि सबको आंसर मिल जाए, क्योंकि डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस किया तो वो फिर बस आपको भी वो आंसर मिलेगा, तो अगर वीडियो लेक्चर भी किया तो फिर सबको मिल जाएगा। तो ये फिर नेक्स्ट में ना वो कल वाले लेक्चर में मैं बता दूंगा कि FPS सिस्टम में हमने लेंथ मास और टाइम क्यों नहीं लिया, हमने लेंथ फोर्स टाइम क्यों लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 10 है, यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू बी द ओनली डेवलप्ड कंट्री दैट सो फार हैज नॉट अडॉप्टेड एस अ यूनिट, कि अमेरिका वो वाइज कंट्री है जिसने ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन जितनी भी मतलब होती है ना वो लैब में जो एक्सपेरिमेंट होती हैं वो ऐसा ही में होती हैं, लेकिन जो है कह सकते हैं कि आप एक कंट्री के अंदर ऑफिशियल वो यूनिट यूज नहीं होते, लेकिन अगर वो जैसे अमेरिका काम कर रहा है रूस के साथ, फ्रांस के साथ, चाइना के साथ, यानी कि इंटरनेशनल सतह पर जब वो काम करते हैं तब वो ऐसे सिस्टम को यूज करता है, अदरवाइज वो क्या करता है वो इनको यूज नहीं करता। और जब देखें दो ही बड़े कंट्रीज हैं, अमेरिका उसने इसको अडॉप्ट ही नहीं किया, और जो दूसरा है बर्तानिया, क्योंकि बर्तानिया शुरू से बादशाह करता आ रहा है तो उसने अपना सिस्टम बनाया होगा FPS सिस्टम, बर्तानिया के अंदर लोकली ये यूज होता है, लेकिन जब बर्तानिया इंटरनेशनल सतह पे जाकर कोई वर्क करता है ना तब वो जाकर ऐसे ही करता है। दोनों का सीन सेम है कि अमेरिका ने भी क्या किया, ऐसे को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो काम ऐसा सिस्टम में करती, इसी तरह बर्तानिया में जो लोकल वाली जो होती है कैलकुलेशन मेजरमेंट्स वो FPS में करती हैं, यानी कि फुट काउंट सिस्टम में करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे सिस्टम ही को यूज करती हैं। तो नेक्स्ट सेशन पढ़ना है तो डिस्कशन ग्रुप में बता दीजिएगा, नहीं पढ़ना तो फिर कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 11 से, ठीक है। अगर आप
क्योंकि अब जूम की एक नई वो पॉलिसी आ गई है कि मीटिंग के बाद 10 मिनट का गैप होता है, तब आप न्यू मीटिंग स्टार्ट कर सकती हैं। तो 10 मिनट के अंदर डिस्कशन ग्रुप में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है? लास्ट मिनट डालना है। सर वो जो ऊपर पॉइंट बताया आपने वहां पे देखो ना, फोर्स का पाउंड बता रहा है। ठीक हाँ जी, ये सब डिस्कस कर लें। सर। बाकी डिस्कशन में बता दीजिएगा नेक्स्ट सेशन पढ़ना या नहीं पढ़ना।